सितारगंज में आरएससी के द्वारा कृषि अनाज मंडी में लगाए गए सरकारी क्रय केंद्र पर 13 दिन बीत जाने के बाद भी क्षेत्र के किसान अपना गेहूं लेकर क्रय केंद्र पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे क्रय केंद्र पर गेहूं की तोल शून्य पर रुकी हुई है। आपको बता दें कि आरएससी के द्वारा 1 अप्रैल से सितारगंज कृषि मंडी में क्रय केंद्र खोल दिए गए थे, लेकिन 13 दिन बीत जाने के बाद भी किसान अपना गेहूं लेकर क्रय केंद्रों पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिस कारण अभी तक क्रय केंद्रों की तोल शून्य पर रुकी हुई है। माना जा रहा है कि इस बार बाजार भाव गेहूं के अधिक होने के कारण किसान अपना गेहूं सरकारी क्रय केंद्रों पर लेकर नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि सरकार द्वारा जारी किया गया गेहूं की एमएसपी रुपए 2015 जारी की गई है। वहीं बाजार मूल्य 2050 से लेकर 2150 तक किसानों को गेहूं का मूल्य मिल पा रहा है, जिस कारण सरकारी क्रय केंद्रों पर 13 दिन बीत जाने के बाद भी गेहूं की तोल शून्य पर रुकी हुई है। परंतु बाजार की समीक्षा करने पर यह ज्ञात हो गया है कि बाजार का बहुत तेज होने के कारण किसान यहाँ नहीं आना चाहते। बहुत तेज 12 किसानों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया, परंतु अभी उनका धान नहीं है, गेहूँ नहीं आया।